नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मुंबई में भिवंडी इलाके के 62 गांवों की हजारों औद्योगिक इकाइयों को ढहाने की तैयारी चल रही है। इससे 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। करीब 14 करोड़ वर्ग फुट पहले इस औद्योगिक इलाके में ज्यादातर टेक्सटाइल और वेयर हाउसिंग केंद्र है। प्रशासन ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि यह खेती का इलाका है, इसीलिए यहाँ के तमाम निर्माण अवैध है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA भिवंडी, निजामपुर सिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और राज्य के राजस्व विभाग ने पिछले हफ्ते इन 62 में से 8 गांवों में अवैध निर्माण ढहाने का काम शुरू कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बारे में एक आदेश दिया था और इसके बाद हुए एक सर्वे में भी कहा गया था कि खेती की जमीन पर अवैध तरीके से बनी इमारतों और ढांचों को तोड़ देना चाहिए। इन इकाइयों में 20 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कामगार काम कर रहे हैं। इस तोड़फोड़ का स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध भी किया और उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। सोमवार को सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर तक मार्च निकाला। स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आज यानी बुधवार को भिवंडी में बंद का ऐलान किया है। असल में इस बात की आशंका है कि कथित अवैध गोदामों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है। इस इलाके से मुंबई और पुणे में सभी तरह के सामान की आपूर्ति होती है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, दवा, FMCG कंपनियों के भिवंडी में वेयर हाउस है। इन गांवों में 14 करोड़ वर्ग फुट निर्माण हुआ है, जिसमें से 75 से 80% वेयर हाउस और 20 से 25% पावर लूम इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग यूनिटी है। TSSIA बुधवार को बैठक कर रहे, ये तय करेगा कि इसके विरोध में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सभी ग्राम पंचायत प्रमुखों की बैठक बुलाने के अलावा कोर्ट का सहारा लेने पर भी विचार किया जा रहा है। जयवंत ने कहा कि इनमें से ज्यादातर इकाइयां 20 साल पहले बनाई गई हैं, जब मुंबई शहर की इकाइयों को बाहर किया जा रहा था। यहां रेमंड का 2.5 लाख वर्ग फुट और गोदरेज का 2 लाख वर्ग फुट का वेयर हाउस है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का करीब 10 लाख वर्ग फुट में वेयर हाउस है। साल 2007 में MMRDA ने इस इलाके को पालघर तक बन रहे इंडस्ट्रियल बेल्ट के तहत विकसित करना शुरू किया था। साल 2012 से नियम काफी कठोर कर दिए गए। अब यहाँ के कारखाने का लाइसेंस लेने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा कम से कम 25 अन्य विभागों से मंजूरी लेने पड़ती है। इसीलिए यहाँ छोटे इकाइयों की स्थापना तो असंभव जैसा ही हो गया है। भिवंडी के रहवासियों का कहना है कि ऑफिसर प्रताड़ित कर रहे हैं और अब इस बहाने लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है कि खेती की जमीन पर निर्माण अवैध है। लेकिन अब भी यह साफ नहीं हुआ है कि कितनी इकाइयों को अवैध करार दिया गया है, क्योंकि MMRDA ने अलग अलग नोटिस जारी करने के बजाय बस एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। उनके मुताबिक 10 एकड़ जमीन में सिर्फ 2 एकड़ का निर्माण किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।